हेलो दोस्तों, डॉक्टर श्याम सुंदर गोयल फ्रॉम कायाकल्प लेज़र क्लिनिक बठिंडा रोड श्री मुक्तसर साहिब पंजाब। दोस्तों, चेहरे के ऊपर अगर रिंकल आ जाए, चेहरे की समय से पहले एजिंग हो जाए और चेहरे के ऊपर जो स्किन है वो लूज़ हो जाए, तो उसमें हमारे पास उसको रीस्टोर करने के लिए काफ़ी सारी ऑप्शंस उपलब्ध हैं। रिंकल के लिए बेस्ट तो बोटॉक्स ट्रीटमेंट है, पर वो इंडियन कंटेक्स्ट में काफ़ी कॉस्टली होने की वजह से, सेकेंडली उसका इफ़ेक्ट टेम्परेरी होने की वजह से वो हम थोड़ा सा कम यूज़ करते हैं और पेशेंट की एक्सेप्टेबिलिटी भी थोड़ी सी कम होती है। और सेकेंड बेस्ट ऑप्शन है माइक्रो नीडलिंग, CO2 लेज़र, वैम्पायर फेशियल, केमिकल पील्स और रेडियो फ्रिक्वेंसी, अल्ट्रासोनिक और हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड, HIFU जिसको बोलते हैं हम, वो सब हम यूज़ कर सकते हैं। और आज इसी तरह के हमारे पेशेंट हैं, इनके चेहरे के ऊपर फाइन लाइंस, लूज स्किन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इनकी स्किन काफ़ी लूज़ हो गई है। इनकी एज इतनी है नहीं, थोड़ा सा तो इनके हेयर फॉल की वजह से ये उम्र में बड़े लग रहे हैं और अदरवाइज़ ही इज़ यंग। तो पेशेंट थोड़ा रिलक्टेंट था बोटॉक्स के यूज़ में, तो वी आर नाउ प्लानिंग अनदर स्ट्रेटजी फॉर हिम। वी विल बी डूइंग PRP ट्रीटमेंट फॉर हिम। PRP ट्रीटमेंट के साथ हम करेंगे वैम्पायर फेशियल, माइक्रो नीडलिंग, ये माइक्रो नीडलिंग की मशीन है, इसके साथ साथ हम यूज़ करेंगे डर्मा रोलर, साथ में हम यूज़ करेंगे रेडियो फ्रीक्वेंसी, रिंकल रिमूवल, अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी और केमिकल पील और CO2 लेज़र, हम सारी चीज़ें मिक्स करके हम यूज़ करेंगे। तकरीबन 5 से 6 ट्रीटमेंट हम एक साथ इनको देंगे और इनका रिजल्ट्स काफ़ी जल्दी आ जाएगा, अच्छा आ जाएगा। और ये नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शंस हैं आपको अगर आपने बोटॉक्स नहीं करवाना तो। पर जो ट्रीटमेंट हम एक ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो 2 से 3 हज़ार के जब हम कंबाइंड करके लेते हैं तो उनका खर्चा काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि अगर हम सिंगल लेंगे तो ईच ट्रीटमेंट कॉस्ट अराउंड 5 to 10,000। अगर हम कंबाइंड लेते हैं तो हमारा खर्चा बच जाता है, वो 2 से 3 हज़ार या 4 हज़ार तक रह जाता है, डिपेंडिंग अपॉन कि हमने जैसे 5 ट्रीटमेंट दी है तो वी आर चार्जिंग हिम 10,000 रुपीज़, तो तकरीबन पर ट्रीटमेंट खर्चा इनका 2,000 रह गया। तो अगर ये 2 या 3 सेशन ले लेते हैं तो इनकी कॉलेजन फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी हो जाएगी। आपको इनके रिज़ल्ट दिखाएंगे, आप रिज़ल्ट सेक्शन में हमारे साथ बने रहिए, रिज़ल्ट सेक्शन में हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है रिज़ल्ट्स करके, तो उसमें हम आपको दिखाएंगे। एंड वी आर प्लानिंग कि इनका हेयर ट्रांसप्लांट भी हम कर दें, और हेयर ट्रांसप्लांट करने से इनकी ये जो रिसीडिंग हेयर लाइन है, जो हेयर लाइन पीछे चली गई है उसकी वजह से भी आदमी थोड़ा सा बूढ़ा लगने लग जाता है, तो वो भी हम आपको इफ़ेक्ट करके दिखाएंगे और उससे इनकी जो रियल एज है उससे काफ़ी ये छोटे लगने लगेंगे, बजाय कि ये उल्टा हो रहा है कि रियल एज से अब ये बड़े लग रहे हैं तो ये छोटा लगने लग जाएंगे। तो वी विल बी डूइंग दिस प्रोसीजर्स, हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे और आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। करिए बस मड़ा जरा। तो वी आर गिविंग कि थोड़ी सी वॉल्यूम भी आ जाएगी इनको, थोड़ी सी वॉल्यूम आ जाएगी। दिस इज़ माइक्रो नीडल रेडियो फ्रिक्वेंसी MNRF मशीन वाला जो MNRF है, इसमें नीडल्स स्किन के अंदर जा रही हैं, ये आप देख रहे हैं स्किन का। सो इसमें गोल्ड प्लेटेड नीडल्स जो हैं, दिस इज़ डर्मा रोलर ट्रीटमेंट इन एडिशन टू माइक्रो नीडल ट्रीटमेंट। सो इसमें हमें सुपरफिशियल थोड़ा सा कॉलेजन फॉर्मेशन चाहिए, जैसे इनके रिंकल वाला एरिया है तो यहाँ पर हम थोड़ा सा कॉलेजन फॉर्मेशन चाहते हैं। CO2 लेज़र इज़ बीइंग डन फॉर दिस पेशेंट। दिस इज़ अल्ट्रासोनिक फॉर
रिंकल रिमूवल